आप जीत छोड़ो, नहीं तो 24 में आप वापस दिल्ली के अंदर नहीं आओगे। ये देश के किसानों ने मन बना लिया है, मुसलमानों को हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सीधा जोड़े, ये हमारी कोशिश रहेगी। देश की जनता जीत जाती, किसानों को न्याय मिले। लाल किले की घटना से सरकार ने और कुछ लोगों ने इस आंदोलन को सेंटीमेंट से जोड़ने का प्रयास किया था, वो आज देश के किसानों ने और जवानों ने इस बात को कहा कि भाई लाल किले की जो घटना है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसकी आड़ के अंदर तो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। और अगर किसान झुक गया और किसान टूट गया तो देश नहीं बचेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हम सब ने ये अपील करी कि आप जीत छोड़ो, नहीं तो 24 में आप वापिस दिल्ली के अंदर नहीं आओगे। ये देश के किसानों ने मन बना लिया है। तीनों कृषि बिलों को लेकर मैं नाराज हूँ, बाकी इनके तमाम बिलों का मैंने लोकसभा के अंदर समर्थन किया था और एनडीए के अंदर ईमानदारी से हमने भूमिका निभाई। और प्रधानमंत्री हमेशा भाषण में ये बात कहते थे कि एनडीए मेरा परिवार है, लेकिन परिवार की तरह धीरे धीरे चूंकि 303 की संख्या हो गई बीजेपी की, तो ये परिवार के दूसरे सदस्यों को जो छोटे भाई के रूप में उनको ये धीरे धीरे करते करते इनको लगा कि अभी इनकी आवश्यकता नहीं, तो धीरे धीरे दूर करते गए, लेकिन हमने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री हमेशा भाषण में ये बात कहते थे कि एनडीए मेरा परिवार है, लेकिन परिवार की तरह धीरे धीरे चूंकि 303 की संख्या हो गई बीजेपी की, तो ये परिवार के दूसरे सदस्यों को जो छोटे भाई के रूप में उनको ये धीरे धीरे करते करते इनको लगा कि अभी इनकी आवश्यकता नहीं, तो धीरे धीरे दूर करते गए, लेकिन हमने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा। किसी किसान नेता से बात नहीं करी, और बिल जब पारित कराए तब भी आप एनडीए के लोगों को बैठ के कम से कम बात तो कर लेते हैं। आप क्या जल्दी थी भाई इससे आयु दुगुनी हो जाएगी, तीन गुनी हो जाएगी, तो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और हमने जब बात नहीं मानी तो इसे एनडीए में रहने से कोई मतलब नहीं। बाकी मेरी कोई किसी तरह की रिश्तों में खटास नहीं है, सिर्फ कृषि बिलों को लेके, कृषि कानूनों को लेके हनुमान बेनीवाल आरजेडी पार्टी एनडीए से अलग हुई और बीजेपी के खिलाफ हुई देश के। उनमें तो सिर्फ तीनों कृषि बिलों को लेके नाराजगी थी, वो हमने साफ जाहिर कर दी। और आज भी लोकसभा के अंदर मैंने इस बात को दोहराया कि हम तीनों कृषि बिलों के खिलाफ है, आप कितना ही कुछ कर लें ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब हर स्टेट के अंदर आंदोलन होगा और उसके बाद वापस दिल्ली कूच होगा, लाखों लोग दिल्ली में जाएंगे। हमें जरूरत नहीं किसी बाहर की पार्टी, हम खुद यहाँ लोगों को राजस्थान के मुसलमानों को हम अगर जोड़ना चाहेंगे तो आरएलपी के साथ राजस्थान का मुस्लिम खूब जुड़ेगा, हमारे खूब मजबूती से मदद कर रहे हैं। मुसलमानों को हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सीधा जोड़ रहे हैं, ये हमारी कोशिश रहेगी। पहली बैठक थी तो पीएम ने मुझे कहा कितनी सीट आएगी, मैंने 25 बोले, नहीं नहीं 16-17 जाएगी क्या, मैंने कहा 25 आएगी पूरी, और 25 ही 25 आई। और अब मैं कहता हूँ कि राजस्थान तीसरे मोर्चे की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी से लड़ने वाली तमाम पार्टियां, चाहे आदिवासी इलाके की पार्टियां, आपने देखा नहीं अभी कि पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव के अंदर हमने कांग्रेस बीजेपी को मजबूर कर दिया कि सूचियां जारी नहीं कर पाई। देखिए, दो बार मैंने सचिन पायलट ने सपोर्ट किया, 2018 के अंदर जब हम जीत गए थे तो 5 विधायकों का, 3 आरएलपी के विधायक थे और 2 अन्य विधायक जो मेरे संपर्क में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अगर पायलट सीएम बनते तो आरएलपी पार्टी सचिन पायलट के साथ है, मतलब मदद करेगी पूरी, सत्ता से बाहर रहते हैं। और दोबारा जब सीएम बनने की बारी आई, अशोक गहलोत की सरकार जब अस्थिर हो गई थी, तभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पहल की। हनुमान बेनीवाल को दूसरी जगह राजनीतिक रोटियां नहीं छेड़नी, मैं दूसरे बॉर्डर पर कहीं नहीं गया। कल जैसे ही मुझे पता लगा गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह की घटना हो रही, मैं तुरंत आत्मसात बयान भी जारी किया और आज लोकसभा के अंदर भी इस मामले को पुरजोर तरीके से, तीनों कृषि बिलों के मैं शुरू से खिलाफ था और आगे भी जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाएगी मैं इसी तरह बजट भी आगे जो भी बजट सत्र चलेगा मैं लगातार इस मामले को उठाऊंगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।